हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ चिकन काली मिर्च की रेसिपी। जैसा कि आप देख सकते हैं, देखने में ही कितना बढ़िया लग रहा है, बिल्कुल देखकर मुंह में पानी आ रहा है ना। और खाने में बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसा है, खाने में बेहद स्वादिष्ट और बनाना भी बहुत आसान है। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। चिकन काली मिर्च को बनाने के लिए मैंने 500 ग्राम चिकन लिया है, इसे अच्छे से वॉश कर लिया है। अब इसका हम फर्स्ट मैरिनेशन करेंगे। मैरिनेशन के लिए मैं यहाँ पे 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर डाल रही हूँ। जैसा कि चिकन काली मिर्च बना रहा है तो काली मिर्च तो इसमें ज़्यादा पड़ेगा ही, तो इसलिए आधा काली मिर्च मैं अभी डाल रही हूँ, आधा बाद में डालूँगी। आधा नींबू का रस टेबल स्पून में, 1 टेबल स्पून है। 1 बड़ा चम्मच भर के अदरक और लहसुन का पेस्ट मैं डाल रही हूँ। 4 बड़े चम्मच दही डालेंगे और इसे अच्छे से हम मिक्स करेंगे। जब आप चिकन काली मिर्च में पहले से चिकन थोड़े सा मैरिनेट करके रखते हो तो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाता है चिकन और खाने में बेहद स्वादिष्ट हो जाता है, टेस्ट बढ़ जाता है इसका। इस तरह से आप पहले मैरिनेट करके ज़रूर रखें। इसे अच्छे से मिक्स करके लगभग हम कम से कम आधा घंटा मैरिनेट करने के लिए रखेंगे। अगर आपके पास समय है तो 1 से 2 घंटे भी आप इसे मैरिनेशन में रख सकते हैं। इसे ढककर हम आधा घंटे के लिए रख देते हैं। अब मैंने यहाँ पे 8 से 10 काजू लिए हैं, 1 बड़ा टमाटर लिया है। इसका बिल्कुल स्मूथ पेस्ट बना लेंगे। इसे एक कटोरी में हम निकाल लेते हैं। यहाँ पे मैंने 1 कढ़ाई ली है, कढ़ाई में 2 से 3 बड़े चम्मच तेल लिया है। मैंने यहाँ पे सरसों का तेल इस्तेमाल किया है, आप कोई भी तेल ले सकते हैं। 2 प्याज को मैंने बारीक काट के इसमें ऐड किया है। 1 से 2 मिनट तक हम इसे फ्राई करेंगे। हमें बिल्कुल गोल्डन फ्राई नहीं करना है अभी इसको, बस थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए, प्याज उतना ही फ्राई करना है। 1/4 टीस्पून हींग डाल देंगे। एक से दो मिनट हो गया है मैं चिकन प्याज फ्राई करते हुए। अब हम इसमें जो मैंने मैरिनेट करके चिकन रखा था उसे भी ऐड कर देंगे। इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे प्याज के साथ में चिकन को, और हाई फ्लेम पर ढककर लगभग 8 से 10 मिनट तक कुक करेंगे, जिससे चिकन का जितना भी पानी है चिकन अच्छे से फ्राई हो जाए और पानी भी थोड़ा सूख जाएगा। अब इसे ढककर लगभग 10 मिनट तक हम कुक कर लेंगे हाई फ्लेम पर। ये देखिए अभी 6 से 7 मिनट हुआ है, पानी इतना अच्छे से चिकन से निकल गया है। इस पानी को थोड़ा हम और जला देंगे, फिर हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। एक टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर डालेंगे। नमक स्वाद के अनुसार डाल देंगे। फिर मैं यहाँ पे 1 छोटा चम्मच नमक ऐड कर रही हूँ। 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर डालेंगे। 1/2 छोटा चम्मच रेड चिली पाउडर डाल रही हूँ, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग घटाया बढ़ा सकते हैं। 1 छोटा चम्मच जीरा पाउडर। अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। मिक्स करके हम ढककर लगभग 5 से 6 मिनट पकाएंगे इसे, ताकि चिकन हमारा और भी ज़्यादा सॉफ्ट हो जाए, मसाले भी अच्छे से कुक हो जाए। उसके पहले मैंने यहाँ पे जो टमाटर और काजू का पेस्ट बना के रखा था उसे भी ऐड कर देंगे। इस पेस्ट को ऐड करने से हमारी जो ग्रेवी होती है वो बहुत ज़्यादा क्रीमी बनती है और टेस्ट भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो आप ये इस तरह का पेस्ट बना के ज़रूर ऐड करें चिकन काली मिर्च में। आप चाहें तो फ्लेवर और इंक्रीज़ करने के लिए थोड़ी सी कुटी हुई काली मिर्च का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बट इतना काली मिर्च पाउडर सफिशियंट है इतने चिकन के लिए। अब इसे हम ढककर लगभग 7 से 8 मिनट तक कुक करेंगे मीडियम फ्लेम पर। कि देखिए कितने बढ़िया से ये कुक हो रहा है, ऊपर ऑयल हमारा निकलने लगा है चिकन से। इट्स मीन्स कि मसाला अच्छे से कुक हो रहा है। अब हम इसमें थोड़े से और स्पाइसेस ऐड करेंगे, जैसा कि हरा धनिया। हरी मिर्च को मैंने स्लिट कर लिए 20 से,
और 1 टेबल स्पून जिंजर जूलियंस ऐड करूँगी मैं इसमें टेस्ट बढ़ाने के लिए। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। जब आप इस तरह से चिकन काली मिर्च में हरा मिर्च अदरक ऐड करते हो तो टेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इसे मिक्स करके धीमी आंच पर हम 5 से 6 मिनट तक और कुक करेंगे ताकि हमारे मिर्च और अदरक और धनिया का फ्लेवर चिकन में अच्छे से आ जाए। 4 से 5 मिनट बाद हम चेक करेंगे चिकन को। ये देखिए फ्रेंड्स, ये बिल्कुल रेडी हो गया है खाने के लिए। कितना डिलीशियस दिख रहा है, एकदम माउथ वाटरिंग रेसिपी ये बनकर तैयार हुई है। जब आप इस तरह से चिकन काली मिर्च बनाकर एक बार ट्राई करोगे तो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है, क्योंकि खाने में बेहद स्वादिष्ट लगती है, बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसा या फिर कह सकते हैं रेस्टोरेंट से भी अच्छा। अब हम इसका टेस्ट और भी ज़्यादा बढ़ाने के लिए इसमें स्मोकी फ्लेवर देंगे। उसके लिए मैंने एक कोयला को यहाँ पर जला लिया है। इसके ऊपर थोड़ा सा बटर डाल के ढक्कन को बंद कर देंगे। हम 3 से 4 मिनट तक ऐसे ही रहने देंगे ताकि स्मोकी फ्लेवर चिकन में अच्छे से चला जाए। जब आप इस तरह से चिकन में स्मोकी फ्लेवर देते हो तो चिकन का टेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। आप ज़रूर इस बार एक बार इस तरह से बना के देखिए, आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है चिकन। ऊपर से थोड़ा सा हम हरा धनिया, हरी मिर्च और अदरक से गार्निश करके इसे सर्व कर देंगे। ये देखिए खाने के लिए बिल्कुल रेडी है। आप इसे नान के साथ, पराठों के साथ, कुलचे के साथ या फिर राइस के साथ सर्व कर सकते हैं। एज अ स्टार्टर ऐसे ही खा सकते हैं, खाने में बेहद स्वादिष्ट लगता है। अब चलिए इसकी सेकंड रेसिपी देख लेते हैं। यहाँ पे मैं आपको पनीर फ्राइड राइस बताऊँगी कैसे बनाया जाता है इंस्टेंट में। उसके लिए मैंने कढ़ाई में 2 टेबल स्पून ऑयल लिया है। यहाँ पर मैंने ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल किया है। 100 ग्राम पनीर को पहले थोड़ा सा गोल्डन फ्राई कर लेंगे हम। बहुत ज़्यादा हमें पनीर को फ्राई नहीं करना है, बस थोड़ा सा गोल्डन हो जाए उतना ही फ्राई करना है। थोड़ा सा नमक डाल देंगे ताकि पनीर में बढ़िया सा नमक का स्वाद आए और पनीर जल्दी से फ्राई भी हो जाएगी। ये देखिए बढ़िया से सुनहरी हो गई है पनीर। अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। बस इससे ज़्यादा हमें और नहीं फ्राई करनी है पनीर को। फिर उसी कढ़ाई में हम एक बारीक प्याज को डाल देंगे। मीडियम साइज़ की प्याज लिए मैंने, बारीक काट लिया है प्याज को। 1 टेबल स्पून लहसुन बारीक कटा हुआ ऐड कर देंगे। तीन से चार बारीक कटी हुई हरी मिर्च ऐड कर देंगे। हरी मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग घटा या बढ़ा सकते हैं। सारी चीज़ों को 1 मिनट के लिए हम फ्राई कर लेंगे हाई फ्लेम पर, थोड़ा सा प्याज हमारी ट्रांसलूसेंट हो जाए। इसके बाद हम अपनी सब्जियां ऐड करेंगे। सब्जियां आपके पास जो भी अवेलेबल है आप उसे ऐड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे हरी और पीली शिमला मिर्च का यूज़ किया है, पत्ता गोभी, गाजर और बीन्स का इस्तेमाल किया है। आपके घर में जो भी सब्ज़ियाँ हों आप उसे ऐड करके फ्राइड राइस बना सकते हैं। अब इसे भी हाई फ्लेम पर हम 2 से 3 मिनट तक भूनेंगे ताकि थोड़ा सा पानी इसका ड्राई हो जाए और सब्जियां भी हाफ कुक हो जाए। फ्राइड राइस जब भी आप बनाओ, सब्जियों को बहुत ज़्यादा कुक करने की इसमें ज़रूरत नहीं होती है, बस थोड़ा सा सब्जियों का पानी ख़त्म हो जाए बस उतना ही कुक होता है ताकि क्रंचीनेस फ्राइड राइस में आए। तो जब आपके बाइट में आती है सब्जियों का क्रंचीनेस तो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। अब मैंने यहाँ पर 1 कप राइस को बॉयल कर लिया है। आप इस ताज़ा चावल ना बना के, अगर आपके पास पहले से बचा हुआ चावल है तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 छोटा चम्मच काली मिर्च के पाउडर डाल रही हूँ मैं। नमक स्वाद के अनुसार डाल देंगे। एक छोटा चम्मच सोया सॉस, 2 बड़े चम्मच विनेगर। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके हम सब्जियों के साथ मिला देंगे। अगर आप लाइक करते हैं तो सिजवान सॉस या टमाटो सॉस भी इसमें ऐड कर सकते हैं। अब पनीर को भी इसमें हम डाल के सारी चीज़ों को अच्छे से हाई फ्लेम पर हम मिक्स करेंगे। फ्लेम को बिल्कुल हाई फ्लेम स्पीड पर रखनी है, हाई फ्लेम पे, और इसे अच्छे से मिक्स करना है। आप मिक्स करने के लिए टॉस करके भी, अगर आपको आता है तो टॉस करके भी मिक्स कर सकते हैं या ऐसे सिंपली स्पून से मिक्स कर सकते हैं। बस मिक्स करते वक्त थोड़ा सा ध्यान दें कि राइस आपकी टूटे नहीं। या टूट भी जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग को ही खाना है घर पे ही, तो नो प्रॉब्लम। ये देखिए सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गया है।
एक से दो मिनट तक हम हाई फ्लेम पर इसे कुक करेंगे। और देखिए फटाफट से ये हमारी पनीर फ्राइड राइस बनकर तैयार हो गई ना, बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसी। ऊपर से और भी ज़्यादा टेस्ट बढ़ाने के लिए थोड़ा सा स्प्रिंग ऑनियन डाल देते हैं। अगर आपके पास स्प्रिंग ऑनियन नहीं है तो सिंपली आप हरा धनिया भी बारीक काट के इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए बिल्कुल खाने के लिए रेडी है। अब इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं हम। आप इसे ऐसे ही खा सकते हैं या फिर किसी भी चाइनीज़ डिश के साथ लाइक मंचूरियन, पनीर चिली या किसी भी और भी सॉस के साथ इसे खा सकते हैं। खाने में बेहद स्वादिष्ट लगता है। फ्रेंड्स अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप मुझे फेसबुक पर देख रहे हैं तो वहाँ पर मुझे लाइक कर लीजिए, फॉलो कर लीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।